दुर्गा और शाहरुख की अगर बात करें तो वो भी ऑफ एयर जाने वाला है. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ऑल द पीपल ऑलवेज गिव लव्स टू एवरी स्टोरी वेदर इट्स. या सो दुर्गा एंड शाहरुख तो हमको बहुत ही शॉकिंग लगा बिकॉज इतनी जल्दी बंद होना, मतलब आई हैव नेवर थॉट इन माय माइंड कि ये शो इतनी जल्दी रैप अप हो जाएगा. बट अगेन यू नो आई डोंट नो व्हाट ट्रेंड इज़ गोइंग ऑन इन दिस इंडस्ट्री दैट यू नो पहले एक टाइम हुआ करता था व्हेन यू गॉट अ शो और तब आपको लगता था कि अरे चलो एक साल डेढ़ साल तो कम से कम हम ये शो कर रहे हैं. बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट. एवरी चैनल आई बिलीव इज़ सो मच इन टू यू नो द कॉम्पिटिशन हैज़ राइज अप सो मच दैट हर किसी को एक नया चेहरा, हर किसी को एक नई स्टोरी लेकर आनी है. बट वेन दे कम अप विद न्यू स्टोरी, वेन दे कम अप विद द न्यू कास्ट, इट इज़ सो नाइस, इट्स सो ब्यूटिफुल. बट वेन इट इज़ इन द मिडल ऑफ द शो, आपकी अगर TRP नहीं आती, आपकी रेटिंग्स नहीं आती हैं, तो फिर वो बैक टू पवेलियन वाली चीज़ हो जाती है कि भाई जैसा ऑडियंस को पसंद है वही दिखाओ. मतलब यू नो, तो आई थिंक चारू और दुर्गा के साथ, दुर्गा और चारू के साथ भी यही हुआ होगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छा बैरिस्टर बाबू को यू नो उसका एक सीक्वल लेकर आए. बच्चों के साथ उन्होंने शुरू किया, बट बच्चों के साथ आई डोंट नो व्हाई दे हैव टेकन द लीव. व्हेन वी केम इनटू द पिक्चर, हमने जस्ट एक यू नो बॉन्डिंग बननी शुरू हुई थी हमारी, हमारे सीन्स आने ही लगे थे एंड वी गॉट दिस न्यूज़. दिस इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड वेरी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़, बट दैट्स द फैक्ट. वी हैव टू लर्न ईच डे एंड वी हैव टू लर्न ऑल द लेसन्स दैट कम अप इन योर लाइफ एंड मूव ऑन, बिकॉज यही जिंदगी है. एक चीज़ ख़त्म होती है, दूसरा शून्य से शुरू होती है, तो बस उसी को जीते जाओ. जितना आप जी रहे हो उस मोमेंट को, अगर वो मोमेंट आपने उस वक्त उस पल को जी लिया, देन यू आर गोइंग राइट इन योर लाइफ. सो आई बिलीव दैट यू नो इट इज़ अ हार्ट रेंचिंग, इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस. वी आर नॉट लाइकिंग इट, बट दैट्स हाउ आवर इंडस्ट्री वर्क्स. वी शुड ऑलवेज यू नो हैव फेथ इन गॉड एंड जस्ट मूव ऑन.